हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन खाकर आप कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कच्चा लहसुन क्यों खाना चाहिए और यह आपको किन किन बीमारियों से बचाता है तथा किसको कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो इसका इलाज लहसुन में छिपा हुआ है, क्योंकि कच्चे लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जिससे खांसी जुकाम में राहत मिलती है। इसके सेवन से अपने शरीर को गर्मी मिलती है, जिससे सर्दियों में सर्दी भी कम लगती है। इसके साथ ही जिन लोगों के गैस और एसिडिटी की समस्या होती है उनको भी कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने पेट में कीटाणुओं की सफाई होती है और अपने को भूख भी अच्छे से लगती है, पेट की समस्या दूर होती है। अगर आपको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की समस्या रहती है तो कच्चे लहसुन का सेवन करना चाहिए। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित होता है और जो हाई बीपी है वो धीरे धीरे कम होता है। कच्चे लहसुन का नियमित सेवन करने से अपनी जो हार्ट की समस्या होती है वो भी दूर होती है, क्योंकि इससे अपना जो ब्लड होता है वो पतला होता है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है, जिससे हार्ट की समस्या नहीं होती है। अगर आपके दांतों में दर्द की समस्या होती है तो लहसुन का पेस्ट बनाकर 2 से 3 लहसुन की कलियां लीजिए, उनका पेस्ट बनाकर उस जगह पर लगाना चाहिए। इससे आपके दांत के जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलता है और दांतों में इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता है, कम हो जाता है ये कच्चे लहसुन का पेस्ट लगाने से। और इसके साथ ही कच्चे लहसुन का सेवन पुरुषों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये पुरुषों के लिए फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये पुरुषों के सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और उनको एनर्जी देता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो हो गए कि कच्चे लहसुन का सेवन किस प्रकार और किस किस को करना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि कच्चा लहसुन का जो सेवन किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कच्चे लहसुन का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लो बीपी, जिनकी जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है, उसकी समस्या हो, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लो बीपी वाले इसका सेवन करेंगे तो ये उनका बीपी को और कम करेगा, तो इसका सेवन उनको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में बात करेंगे जिनका लीवर कमजोर होता है या लीवर की जिनको समस्या होती है, उनको कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में है गर्भावस्था में महिलाओं को कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चे लहसुन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और इससे गर्भावस्था में महिलाओं को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसका सेवन गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे अगर आपको कोई सर्जरी, ऑपरेशन कुछ भी करवाना हो तो उससे पहले आपको कच्चे लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कच्चे लहसुन से आपका रक्त है वो पतला होगा, जिससे सर्जरी या किसी भी प्रकार की आप ऑपरेशन, सर्जरी कुछ भी करवाते हो तो रक्त का प्रवाह है वहाँ से, आंतरिक जो रक्त का प्रवाह वो हो सकता है, इसलिए सर्जरी से पहले इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो लहसुन होता है इसका सेवन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब इसे किस प्रकार से खाना सही रहता है। आप हर सुबह खाली पेट लहसुन की 2 से 3 कलियां गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन को भूनकर भी ले सकते हैं, मतलब जो लहसुन की 2-3 कलियां है उन्हें तवे किसी के ऊपर भी भूनिए और फिर इनका सेवन आप कर सकते हो। और अगर इसे भूनकर भी नहीं खा सकते आप तो इसकी जो लहसुन की चटनी होती है वो बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हो। कच्चे लहसुन के इतने फायदे हैं तो आप भी लहसुन का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल लहसुन सभी के घरों में उपलब्ध रहता है, तो आप भी इसका सेवन कीजिए और अनेक बीमारियों से बचिए। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।